आज का जो हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, तो उसका कंटेंट इस प्रकार से है: इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर्स पर। तो जो वर्ड है जिम्नोस्पर्म, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला जिम्नोस, जिसका मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा मतलब सीड्स। इस शब्द का सबसे पहले यूज़ थियोफेस्टस ने किया था, और उन्होंने ये शब्द जितने भी पौधे जिनमें बीज बिना किसी कवरिंग के होते हैं, उन समस्त पौधों के लिए थियोफेस्टस ने ये टर्म यूज़ किया था। और इसी बेसिस पे कि बीज पे बाह्य आवरण है या नहीं है, इसके बेसिस पे उन्होंने जो प्लांट्स हैं उनको दो वर्गों में डिवाइड किया था। एक है एंजियोस्पर्म, दूसरा है जिम्नोस्पर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं यानी कि जो स्पर्मेटोफाइटा हैं जिनमें सीड्स बनते हैं, उन्हें दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में। तो जो जिम्नोस्पर्म है उसके ओव्यूल्स जब भी वो चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले या बाद में वो नेकेड होते हैं, यानी कि उसमें एंजियोस्पर्म्स की तरह कार्पेल नहीं होती बाहर से, इसीलिए इनको नेकेड सीड कहा जाता है। तो इसके इस फीचर की वजह से जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से थोड़ा सा हम लेस एडवांस मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो हैं वो स्लो ग्रोअर्स कहलाते हैं, यानी कि वो बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन का माध्यम होता है वो कटिंग, लेयरिंग वगैरह से नहीं होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में होता है। उस तरह का रिप्रोडक्शन कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग से जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। दे आर अनेबल टू ग्रो अंडर वेरिड हैबिटेट्स, यानी कि वो हर किसी परिस्थिति में, हर किसी कंडीशन में उगने के लिए असमर्थ होते हैं, और वो केवल स्पेसिफिक हैबिटेट्स में ही और वातावरण में ही ग्रो कर पाते हैं। और इनका जो सीड्स का डिस्पर्सल होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, वो सिर्फ हवा के द्वारा, जानवर के द्वारा या फिर मानव के द्वारा होता है। ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, या जिन्हें हम लैंड ड्वेलिंग कहते हैं, इसका मतलब है वो ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म जो है वो भूमि पर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो ज़ाइलम है, ज़ाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। हालांकि कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी हैं जिनमें वेसल्स पाए जाते हैं, जैसे कि नीडोफाइटा के मेंबर्स हैं एफेड्रा, नीटम और वेल्विशिया। और फ्लोएम में जो है वो कंपेनियन सेल्स का पूर्णतः अभाव होता है। ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि फीमेल प्लांट अलग होता है और मेल प्लांट अलग होता है। इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जैसे कि इसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो वेस्ट हो जाता है। अब है मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो अभी तक के जितने जिम्नोस्पर्म खोजे गए हैं ये ज़्यादातर लंबे पेड़ होते हैं या श्रब्स होते हैं। अभी तक का जो पाए गए हैं उनमें इसके 88 जेनरा मिले हैं, और 1000 से ज़्यादा इसकी स्पीशीज अभी तक के पाई गई हैं। जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स और क्लाइंबर्स पूर्णतः एब्सेंट होते हैं, और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। हालांकि बल्बिल्स के द्वारा इनमें प्रोपोगेशन होता है, जैसे कि साइकस में ये देखने को मिलता है हमें। और जिम्नोस्पर्म में जो रूट सिस्टम होता है वो मेनली टैप रूट होता है, लेकिन पाइनस में हमें माइकोराइजल रूट भी मिलते हैं, और साइकस में हमें कोरोलर रूट सिस्टम देखने को भी मिलता है। अब है जिम्नोस्पर्म का स्टेम। जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम होता है वो ज़्यादातर एरियल होता है, यानी कि हवा में होता है, इरेक्ट होता है, अनब्रांच होता है, जैसे साइकस और जैमिया में। और कुछ पौधों में ये एरियल भी होता है, इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा होता है, ब्रांच होता है, जैसे कि पाइनस और सिट्रस में। जिम्नोस्पर्म में जो ब्रांचेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, यानी कि जो इसका ब्रांचिंग सिस्टम होता है उसकी वजह से जिम्नोस्पर्म में ब्रांचिंग सिस्टम के बेसिस पे हम देखते हैं कि इसमें दो तरह के ब्रांचेस पाए जाती हैं। जैसे पाइनस में हम देखते हैं तो इसमें एक होता है लॉन्ग शूट और दूसरा होता है डॉफ शूट। तो जो डॉफ शूट होता है, यानी कि जो छोटा सा शूट होता है, उसमें जो फॉलेज लीव्स होती हैं, जैसा हम जानते हैं कि पाइनस में जो लीव्स होती हैं वो निडल शेप की होती हैं, सुई के आकार की होती हैं, पतली सी। तो जो डॉफ शूट है और फॉलेज लीव्स हैं, इनको मिल के स्पर कहा जाता है। आपके सामने अभी जो दिखाया गया है ये पेड़, ये पाइनस का पेड़ है ऊपर वाली स्लाइड में, और नीचे हम देख सकते हैं ये एफेड्रा है, फिर नीटम और आपका वेल्विशिया। अब आता है जिम्नोस्पर्म की लीव।
तो जिम्नोस्पर्म में दो तरह की लीफ पाई जाती हैं, जैसे हम इसे कहते हैं माइक्रोफेलस और मेगाफेलस। जो मेगाफेलस लीव है वो काफ़ी लार्ज होती है, वेल डेवलप्ड होती है, और इसमें जो वेस्कुलर सप्लाई होती है लीव्स में, उसमें हमेशा एक जो स्टेम में एक लीफ कैप देखने को मिलता है, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसकी लीव्स सिंपल भी हो सकती हैं या कंपाउंड होती हैं, और शेप में काफ़ी वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं। ये जो वेरिएशन है ये शेप में मिलती है, साइज़ में और इसकी फॉर्म में मिलती है। जैसे कुछ जिम्नोस्पर्म में जो लीफ है वो स्केल की तरह होती है, बाकी बहुत छोटी माइनर स्केल की तरह, और कुछ में ये बहुत बड़ी लीव्स होती हैं जैसे साइकस में। जिम्नोस्पर्म की जो लीफ में है उसके लीफ वेनेशन में भी काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसमें पैरेलल वेनेशन भी होता है, जैसे आपका वेलवेशिया में रेटिकुलेट वेनेशन जो हमें नेटम में देखने को मिलता है, और डाइकोटोमस जैसे कि हमें किंको में मिलता है। जो उसकी लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की वो ज़्यादातर एवरग्रीन होती हैं, और इनमें रेजिन कैनाल्स मिलते हैं, जैसे हमें पाइनस, सिट्रस और एबीज में देखने को मिलता है। हालांकि जो नेटेल्स ग्रुप है, उस ऑर्डर है, उसका जो लीव्स हैं उसमें हमें रेजिन कैनाल्स ना मिलके हमें उसमें लिटिक्स ट्यूब दिखती हैं। अब है लीफ का अरेंजमेंट, कि जिम्नोस्पर्म में लीफ का क्या अरेंजमेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स हैं उनमें हमें जो लीफ है वो वर्ल्ड दिखती हैं। जैसे सिड्रस में वर्ल्ड का मतलब है कि एक चक्र में लगी हुई होती हैं, अपोजिट होती हैं, या डेक्यूसेट हम इसे कह सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं लीव्स, जैसे नेटम में और एफिड्रोसिट्रा में, और स्पायरली अरेंज होती हैं जैसे टेक्सस में और पोडोकार्पस में। कोनिफर्स में देखने को हमें जो मिलता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकिन होते हैं। जिम्नोस्पर्म के लीव्स के शेप में भी काफ़ी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि जो पाइनस रॉक्सबर्गाई है उसकी जो लीफ होती है वो ट्रायंगुलर होती है, और जो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस है उसकी लीफ सेमी सर्कुलर होती है, और पाइनस माइक्रोफिला में हमें बाइफिट और सर्कुलर लीफ देखने को मिलती है, और जो साइकस है, जैमिया है और नेटम है इसकी लीफ बाईफेशियल होती है। बाईफेशियल से आपका मतलब है कि जो डॉर्सल सरफेस और जो वेंट्रल सरफेस है, यानी कि लीव्स का ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा, वो दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो लीफ बेस होता है वो हमेशा मेरिस्टमेटिक रहता है, हालांकि जो उसकी टिप होती है वो सूख कर गिर जाती है। जैसे कि जिम्नोस्पर्म में जो सिस्टम है लीव्स में, जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स की तरह ही इसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें भी हमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती है। और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से हमें इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुड मिलता है। एक वुड है जिसे हम कहते हैं मेनोजाइलिक वुड, ये जो सेकेडोफाइटा हमारा है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस तरह का जो वुड होता है वो पोरस होता है, यानी कि छिद्रयुक्त तो होता है, मुलायम होता है और ज़्यादा पेरेनकार्मेटस होता है। इसके इन गुणों की वजह से ये जो लकड़ी है इसका टिम्बर में यूज़ नहीं हो पाता है। और दूसरी तरफ जो हमें इसमें जिम्नोस्पर्म में जो वुड देखने को मिलता है वो मिलता है, उसे कहते हैं हम पिक्नोजाइलिक। तो ये फीचर होता है कोनिफरोफाइटा का, जिसके अंदर हमारा पाइनस, सिड्रस वगैरह आते हैं। इस वुड में ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, इसमें जो मेडुलरी रेज होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से ये वुड काफ़ी स्ट्रांग होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और टिम्बर के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। हालांकि इसका जो एक्सेप्शन है वो आपका एफेड्रा और नेटम है। तो जो जिम्नोस्पर्म में जाइलम है, जाइलम यूजुअली एंडार्क होता है या मिज़ार्क होता है। एंडार्क से हमारा मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम होता है जाइलम में वो अंदर सेंटर की तरफ होता है, और जो मेटाजाइलम होता है वो पेरिफेरी की तरफ होता है, यानी कि आउटर साइड की तरफ होता है। बाकी इसमें जो एक एग्जैक्ट कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है रूट्स में, तो एग्जैक्ट से मतलब है कि पहली वाली एंडार्क कंडीशन का उल्टा, यानी कि जो प्रोटोजाइलम है प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ को होगा, बाहर की तरफ को होगा, और जो मेटाजाइलम है जो वो आपका सेंटर में होगा। तो वेस्कुलर बंडल जो उसके होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलिट्रल होते हैं और एंडार्क होते हैं, और हाथ के साथ में ही ओपन होते हैं। ओपन से मतलब होता है कि फ्लोयम और जिम्नोस्पर्म के बीच में एक कैम्बियम रिंग पाई जाती है। यहाँ पे कुछ जिम्नोस्पर्म की लीफ के डायग्राम्स हैं। तो सबसे पहले हम देखें पेसिया की लीफ है, दूसरा जो बी है वो है पाइनस रॉक्सबर्गाई की लीफ, जिसे हम कॉमनली चीड़ नाम से जानते हैं। चीड़ जो है आपका ये उत्तराखंड में काफ़ी देखने को मिलता है, और इसके निल शेप्ड लीव इसका इसकी पहचान है। इसमें आपको गिंको बायलोबा की लीफ दिखेगी जो कि फैन शेप्ड की होती है, और बाकी टेक्सस बकाटा, नीटम, आपका सिकोया और सिड्रस की लीफ दिखाई देती है।
तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जल्दी ही मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। धन्यवाद।